देश में अलग अलग दौर में अलग अलग राजनेता जनता की पसंद है। 2014 के बाद देश में माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके अंदाज को जनता काफी पसंद करती है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें ही देखना चाहते हैं। पीएम पद की पसंद नापसंद को लेकर एक सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में जो खुलासा है उससे ये साफ जाहिर हो जाएगा कि देश का अगला पीएम कौन हो सकता है। इस सर्वे में नरेंद्र मोदी के अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों की दूसरी पसंद बनते दिख रहे हैं। जी हाँ, लोगों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ भारत देश की कमान संभालने के लिए बहुत काबिल हैं। इस साल की शुरुआत में 12,232 लोगों के बीच सर्वे किया था, जो इस सर्वे में 67% ग्रामीण आबादी तथा 33% शहरी आबादी थी। ऐसे में अगर सर्वे की माने तो गृह मंत्री अमित शाह जनता की तीसरी पसंद हैं और इस सर्वे के अनुसार योगी आदित्यनाथ देश के सबसे विश्वासी मुख्यमंत्री हैं। हालांकि उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोगों ने पसंद किया। बहरहाल एक अन्य सर्वे के अनुसार 25.6% लोगों का मानना है कि अगर भविष्य में नरेंद्र मोदी जी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो राहुल गांधी हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जनता ने ऐसा सर्वे निकाला है तो कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी। गौरतलब है कि 21.9% लोगों ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सक्षम बताया है, तो वहीं 7.9% लोगों ने ममता बनर्जी को काबिल बताया। यानी जनता का मानना है कि भविष्य में ये सभी नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। वहीं जब लोगों से पूछा गया कि भाजपा का कौन सा नेता नरेंद्र मोदी की जगह ले सकता है तो 30% लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया, मगर फिर भी दूसरे नंबर पर तो जनता ने उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध सीएम योगी आदित्यनाथ को ही चुना था। वैसे सर्वे देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस को वास्तव में चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि फिलहाल उनका हाल काफी खराब है। जी हाँ, केवल 7% लोग ही राहुल गांधी को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और 5% लोग अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा 4% लोगों की पसंद सोनिया गांधी और ममता बनर्जी, जबकि 3% प्रियंका गांधी बाड़ा और राजनाथ सिंह को मिले हैं। यहाँ तक कि 2% मायावती, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार और नितिन गडकरी को मिले हैं। फिलहाल जो सर्वे में हुआ खुलासा है उसके अनुसार योगी आदित्यनाथ देश के अगले प्रधानमंत्री बनने की पूरी काबिलियत रखते हैं।